हाँ जी बेटा, मैं ये दो क्वेश्चन थोड़े स्पेशल हैं, इनको मैं सॉल्व कराता हूं बेटा। क्वेश्चन सिक्स में जो यहां पर आपको क्वेश्चन सिक्स दिखाई दे रहा है बेटा, क्वेश्चन सिक्स में आपको न्यू इक्वेशन नहीं बनानी है, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन का आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग ट्रीटमेंट लेकर चलना है। इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं रीड करता हूं तो मुझे कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज मिलती हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक। बैंक से लोन लेते हैं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो बैंक आ गया बेटा, ठीक। एसेट्स में लोन लिया, इंस्टॉलमेंट पे करी, कैश का भी यूज हो रहा है बेटा, और कैश का यूज हो रहा है और गुड्स का भी यूज हो रहा है, गुड्स का भी यूज है इस क्वेश्चन में। स्टॉक बेटा, डेटर्स का भी यूज है, डेटर्स का भी यूज है इसमें, क्योंकि हम उधार बेच रहे हैं, और ठीक है। इधर कैपिटल चाहिए हमको, इधर क्रेडिटर्स चाहिए, और बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है। अब मैं नंबर वाइज बता, फर्स्ट ट्रांजेक्शन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आप लोन लेंगे तो आपका बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा। इधर बैंक बैलेंस प्लस होगा बेटा, और इधर बैंक लोन प्लस होगा, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा आ गया, और जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, आपको कैश नहीं देता, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन ना बनाएं, मतलब न्यू इक्वेशन ना बनाएं, और हर ट्रांजेक्शन से आप अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करें बस। पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन की इंस्टॉलमेंट पे करी है, कुछ नहीं बोला तो मैं मानूंगा कि मैंने कैश दिया बैंक में, मैंने कैश अपने लोन के अगेंस्ट जमा कर दिए, तो मेरा कैश भी कम हो गया और मेरे ऊपर जो लोन का बर्डन था वो भी कम हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन, इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन थ्रू चेक, अगर चेक से मैं कोई पेमेंट करता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस कम होता है बेटा, और लोन तो कम होगा ही होगा क्योंकि लोन की पेमेंट तो हो ही गई है, मेरे ऊपर से ये वाला बर्डन तो कम होता जा रहा है। नाउ फोर्थ, फोर्थ ये ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अगर मैं बैंक लोन पर इंटरेस्ट पे करता हूं बेटा, सिंपली मेरे हाथ से कैश चला जाएगा, और इंटरेस्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट को खर्चा माना जाता है, इसलिए कैपिटल में से प्लस होगा। लोन में से तो तब कोई भी चीज इफेक्ट डालती है जब आप लोन ले रहे हो या लोन की इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट का लोन की अमाउंट पर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है। बॉट गुड्स, आपने गुड्स खरीदा बेटा, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, 10,000 रुपए चले गए और स्टॉक आपके पास आ गया, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया, ये फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवेंथ, ये हो गया एट्थ, दिस इज नाइन्थ एंड दिस इज टेंथ। मैंने आपको फाइव करा दिया, सिक्स करा दिया बेटा। बॉट गुड्स फ्रॉम पीके 18,000, मैंने गुड्स खरीदा 18,000 का, लेकिन नाम आ गया कि जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं उसका नाम आ गया बेटा, ठीक है। तो अगर नाम आ जाता है जिससे हम खरीदते हैं तो ये उधार परचेज माना जाता है बेटा, उधार परचेज, तो इसलिए ये क्रेडिटर्स में प्लस होगा, जिनसे मैं गुड्स उधार खरीदता हूं वो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं। सेवेंथ, रिटर्न गुड्स टू पीके, जिनसे मैंने खरीदा था उनको मैंने गुड्स वापस कर दिया बेटा, गुड्स वापस करूंगा तो मेरी दुकान से गुड्स चला जाएगा। 1,000 का,
और मेरे ऊपर वो कर्जा भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मैंने इतना गुड्स तो उनको वापिस ही कर दिया, जहां इफेक्ट नहीं पड़ रहा जीरो, जहां इफेक्ट नहीं पड़ रहा है जीरो। एट ये रहा बेटा पेड कैश टू पीके, पेड कैश टू पीके, पैसा मेरे हाथ से चला गया 5000। पीके कौन है? पीके है हमारा क्रेडिटर। अगर मैं क्रेडिटर को पैसे देता हूं तो क्रेडिटर की लायबिलिटी मेरे ऊपर से कम हो जाएगी बेटा। जहां जहां इफेक्ट नहीं पड़ रहा वहां जीरो हो गया, ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4 रुपीज, कॉस्टिंग 3000 और बेचा बेटा 4 का है, और बेचा किसको है? मोहन को बेचा है। अगर हमने गुड्स मोहन को बेचा है तो नाम आ गया कि किसको बेचा है। जब नाम आ जाता है तो इसका मतलब हम उधार बेच रहे हैं। तो हमारी दुकान से बेटा गुड्स चला गया, सेल करने की एंट्री का आपको ट्रेंड बताइए, स्टॉक माइनस होता है, कैपिटल अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल प्लस होगी, और क्योंकि मैंने उधार बेचा है तो मेरे डेटर्स प्लस होंगे बेटा, डेटर्स प्लस होंगे क्योंकि जिनको मैं उधार बेचता हूं वो मेरे डेटर्स होंगे। नंबरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, नंबरिंग 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 बोर्ड कोर्स। अच्छा, इसमें ये 10th है और ये 11th है, 11 ट्रांजेक्शन है बेटा। 10th बोर्ड गुड्स फॉर कैश इतना और क्रेडिट इतना। मैंने गुड्स खरीदा, मेरी दुकान में गुड्स आ गया, मेरी दुकान में गुड्स आया बेटा 30 और 44, 74 का गुड्स मेरी दुकान में आ गया। फॉर कैश मैंने खरीदा है 30 का, यानी कि कैश चला गया मेरी दुकान से 30 का बेटा, कैश चला गया। और बाबू बाबू जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, उधार खरीद रहा हूं ना इसलिए बढ़ेंगे बेटा, क्रेडिटर्स विल इंक्रीज। लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन की, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो ये आपका सिंपल खर्चा है, नॉर्मल एक्सपेंस मान के इसको चलेंगे बेटा। कैश माइनस और कैपिटल माइनस, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेवेंथ में फर्स्ट आपने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, ये ट्रांजेक्शन हम बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं। फर्नीचर आपने लगाया 70 का, गुड्स आपने लगाया 1 लाख का, और कैश, कैश कितना है? मिसिंग हो गया इसके अंदर, कैश मिसिंग हो गया। अगर कैश मिसिंग हो गया तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो हम मान लेते हैं बेटा। कैश को मान लो बेटा 2 लाख, ठीक। चलो ओनर ने 2 लाख रुपए कैश लगाए बेटा, 70 का स्टॉक फर्नीचर लगाया, 1 लाख का स्टॉक लगाया, बैंक बैलेंस 0, और ये तीनों चीजें कैपिटल में प्लस हो रही हैं, 3,70,000। सेकंड परचेज गुड्स फ्रॉम जेठालाल 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। परचेज गुड्स फ्रॉम जेठालाल, हमने गुड्स परचेज किया बेटा, ट्रेड डिस्काउंट वाली बात आ गई। लेक्चर नंबर 6 में आपने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में देखा होगा। ट्रेड डिस्काउंट का रोल क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस हो जाती है, ठीक, और वो अमाउंट घट के जो आती है उसी को यूज करते हैं। आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो स्टॉक आपके पास आएगा 18,000 का, क्योंकि मैंने 20,000 में से 10% यानी कि 2,000 माइनस कर दिया है। उधार खरीदा है बेटा तो इसलिए क्रेडिटर्स प्लस होंगे 18,000 के।
ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस हो जाती है, उसके अलावा उसका कोई भी रोल नहीं है। थर्ड, हमने गुड्स बेचा है, ठीक, इसकी भी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा। कॉस्ट 8000 लिखा है प्लस 20%, यानी कि ये प्रॉफिट है। तो 8000 का 20% फाइंड करो, 1600। तो देखा जाए तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस आता है हमारा, लेकिन वो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करवा रहा है, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 5%। तो जो 9600 आए हैं, इसी का 5% निकलेगा बेटा और वो माइनस हो जाएगा। तो 9600, तो ये निकल के आएगा नेट सेलिंग प्राइस माइनस 480, 9120। ठीक है, तो कैश में 9120 प्लस होंगे, क्योंकि गुड्स अल्टीमेटली डिस्काउंट काटने के बाद मैंने इतने का बेचा है। स्टॉक मेरी दुकान से चला गया बाबू 8000 रुपए का, और इस अमाउंट और इस अमाउंट को देखकर आप डिसाइड कर लो कि कितना प्रॉफिट हुआ। हमको इतना प्रॉफिट हुआ। इन कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान दिया करो बेटा, एंड दिस दीज टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस आर नॉट रफ वर्क, ये वर्किंग होती है, इसको फेयरली करना चाहिए बेटा और 2-3 बार इसको सॉल्व करना चाहिए। फोर, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा और कैश बैलेंस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी दुकान का पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ड्रीव फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, ड्रीव फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने मनी विड्रॉ किया। तो कैश प्लस, क्योंकि लिखा नहीं है तो इसका मतलब होता है कि बैंक से जो पैसे निकाले वो बिजनेस में आए हैं, ये नहीं लिखा कि वो बिजनेस में आए हैं या पर्सनल यूज में गए हैं, तो उसको मैं ये मानता हूं कि वो दुकान के यूज के लिए निकाले हैं बेटा। तो इसलिए दुकान का कैश प्लस हो जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा, कहीं और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिक्स, बैंक से मैं पैसे निकाल रहा हूं लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा लेकिन कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश तो बिजनेस का है, वो ये 1000 रुपए बिजनेस में तो लाया नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर ये 1000 रुपए हमारी कैपिटल में से माइनस होंगे, क्योंकि ये ड्राइंग है और ड्राइंग हमारी कैपिटल को कम करती है। सेवन, स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी को खर्चा माना जाता है और सिंपल खर्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि जैसे लाए वैसे ही यूज कर लेते हैं इसको, ये मानते हैं ये यूज अप हो जाती है नॉर्मल खर्चों की तरह से इसको ट्रीट कर। लो जी, इस क्वेश्चन में न्यू इक्वेशंस बनेंगी, 6 क्वेश्चन में न्यू इक्वेशन नहीं बनेगी, बस इतना फर्क है, मैंने नहीं बनाई, आप बनाएंगे बेटा, इसके अंदर अंतर हम मैच कर लेंगे आपस में। ये 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ बेटा।